हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाई दीपक राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए मैं मैथ्स और रीजनिंग की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और जो भी आप लोग कमेंट किए उसको हम लोग उसको फॉलो करेंगे। आइए आज की कुछ हम लोग मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, देखिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि एक हज़ार रुपये को ए तथा बी में कितने अनुपात में बांटना है, 3:2 के अनुपात में आपको विभक्त किया जाए। तो पूछ रहा है कि ए का आपको प्राप्त इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, आइए जानते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, समझ गए। और कह रहा है कि टोटल रुपये कितने हैं, 1000 रुपये हैं। तो टोटल 1000 जो रुपये हैं इसी को आपको जो ये रेशियो दिया हुआ है यानी अनुपात दिया हुआ है 3:2 के, इसी के अनुसार आपको क्या करना है, इसको बांटना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 3+2 क्या होता है, 3+2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यही 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 हो गई। और 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 रुपये दे रही है, समझ गए। तो यानी आपको करना क्या है कि 5 को किसके इक्वेट करना है, 1000 रुपये के इक्वेट कर देना है, समझ गए। यानी 5 पार्ट किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। तो एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आपको इसमें आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 200। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको ए कितना प्राप्त करेगा वही आपको फाइंड आउट करना है, समझ गए। तो देखिए ए को प्राप्त करने के लिए यहाँ रेशियो कितनी थी, ए की रेशियो कितनी है, ए पार्ट की वैल्यू 3 है और बी पार्ट की वैल्यू 2 है, समझ गए। तो यानी एक पार्ट की वैल्यू 200 है तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें क्या कर देंगे आपको, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो यानी आपका ए कितना प्राप्त करेगा, ए द्वारा प्राप्त किया गया रुपया कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है कि आपको ये जो रेशियो दिया हुआ है टोटल के इक्वल कर देना है और जो भी वैल्यू आएगी उसके अनुसार आपको इस रेशियो के अनुसार आपको क्या कर देना है, विभाजित कर देना है, समझ गए। तो आई होप लोग समझ गए होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ऑलरेडी सभी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन केवल एक चैप्टर में यूज होता है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर में है, समझ गए। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या हो गया परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ये क्या है, बेसिक्स क्या है मैथ्स के, बेसिक या इसको कह सकते हैं बैकबोन ऑफ मैथ्स कह सकते हैं। क्योंकि देखिए परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज आप इसमें यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका एप्लीकेशन है। इस तरह भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी कई चैप्टरों में एप्लीकेशन है, तो आप इसको कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को कितनी की, कह रहा है कि 14% का लाभ हो रहा है, समझ गए। फिर क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, यदि लाभ का कम करके 8% रखा जाए तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, समझ गए। यानी पहले कितना परसेंट वो क्या है, लाभ कितना दिया हुआ है, 14%, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2,850, यानी इतने वैल्यू में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है, 14% हो रहा है, समझ गए। क्वेश्चन यही कह रहा है, पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन क्लियरली समझ जा रहे हैं तो सॉल्व करने में आपको क्या करना है, समय नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व है तो क्या करें, आपको सॉल्व करने में टाइम ऑटोमेटिक लगेगा। तो आप जितना क्वेश्चन समझने में टाइम दें उतना सही रहेगा, सॉल्व तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए आपको कहने का मतलब 14% जो लाभ हो रहा है वो किसके इक्वल है, 2,850 रुपये।
तो आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि हमेशा हम लोग क्या मरते हैं, क्रय मूल्य को हमेशा क्या एज्यूम करके चलते हैं, हम लोग 100% एज्यूम करके चलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य हो गया किसके इक्वल हो जाएगा, हम लोग क्या एज्यूम करेंगे इसको, मान लेते हैं कि 100 क्रय मूल्य मान लिए। अब क्रय मूल्य क्या होता है, यही तो बेस होता है ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं क्या हो गया, क्रय मूल्य पे खरीदते हैं, अब उसके अनुसार बेचते हैं, यानी हानि पे बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से कम पे बेचेंगे तो क्या हो गया, हानि हो गया, अगर वही क्रय मूल्य से ज़्यादा बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, वही लाभ हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है, तो यानी 100 रुपये मान लिए CP यानी क्रय मूल्य मान लिए, तो कह रहा है कि अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कितना हो जाएगा, 114%। क्यों, क्योंकि 14% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ लाभ हो रहा है यानी 14% क्या कर देंगे, 100 में 14% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 114 पार्ट मान लेते हैं, समझ गए, यहाँ 100 पार्ट मान लिए, यहाँ 114 पार्ट मान लिए, समझ गए। तो देखिए इसमें करना, चलिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य 114 हो गया। अब देखिए 114 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यही दी हुई है, कितनी, 2850 रुपये, इसकी वैल्यू 2850 रुपये दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि लाभ कम करके 8% रख दिया जाए, यानी 8% रखने का मतलब क्या कि आपको 108 पार्ट निकालना होगा, तो कह रहा है वही आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितनी होगी, तो देखिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 108 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2850 upon 114 into कितना हो जाए, 108, समझ गए। तो अब इसको हम लोग क्या कर दें, सॉल्व कर देते हैं, 2 5 10 2 7 14, समझ गए, और ये 54 बार में कट जाएगा। अब इसको 19 से काट देते हैं, 19 3 57, 19 1 फिर 19 5 95, और ये 50, यानी कितना हो जाएगा, 50 × 54 कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20 और 5 5 25 2 27, 10 से यहाँ बढ़ गया, यानी आपका 108 जो परसेंट, यानी 8% जो विक्रय मूल्य निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2700 रुपये आपकी उसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, ये विक्रय मूल्य दिया था, कितने परसेंट फायदा था, 14%। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो 14% लाभ हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, तो 114 हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि 114 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2850 यानी 2850 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 8% अगर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वही 108 पार्ट की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए की मान आपको क्या दिया हुआ है, 11 दी हुई है, और बी की मान 9 दी हुई है। तो कह रहा है ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी आप, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ डायरेक्ट रख के क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अगर मानिए, अगर ए की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे और ए बी, और फिर इसको क्यूब करके माइनस करेंगे, तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन करें, तो इसलिए एग्ज़ाम ने आपको क्या दिया था? देता है इसीलिए कि लड़के इसमें क्या करें, टाइम कंज्यूम करें, इसमें फंस जाएं, तो इसीलिए आपका टेस्ट करता है कि आप लोग ट्रिकी माइंड सॉल्व यूज करते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ आपको दिया क्या हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला मालूम हो चाहिए। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है, समझ गए, यानी इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं, समझ गए।
मेन फंडा यही है। अगर आपको ये अगर लिखने एक्सपेंड करने आएगा तो आप इसको सॉल्व विद इन सेकेंड कर सकते हैं, समझ गए। तो यानी हमको इसके जगह इस वैल्यू को लिख देते हैं। आइए हम लोग लिख के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, समझ गए। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, समझ गए। बचा क्या, वन अपॉन ए माइनस बी। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11, बी की वैल्यू 9। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 9, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको अगर आप डायरेक्ट, अगर हम आपको समझाने में समय नहीं लगाते तो क्या करते, डायरेक्ट स्पेंड करते और ये कैंसिल आउट करके क्या करें, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप मेमोरी के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, अंदर ही अंदर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मेन बात क्या है कि आपको एक्सपेंड करने आती है, होनी चाहिए। यहाँ अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे आपको आइडेंटिटी मेमोराइज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व ईजिली कर सकें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा इससे रिलेटेड रहते ही हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, समझ गए। फिर क्या कह रहा है कि अकेला बी 20 दिन में पूरा करता है, उसी काम को अकेला बी 20 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि ए और अगर अकेला करे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही सिंपल है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं कंप्लीट, 15 दिन में। अब क्या दिया, अकेला बी यानी केवल बी कितने दिन में करता है, उसी काम को 20 दिन में करता है, समझ गए। अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि इसका और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे, समझ गए, यानी 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, समझ गए। यहाँ लिख देते हैं 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ ए प्लस बी है और यहाँ बी है, समझ गए। तो इसका एलसीएम 60 आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें डिवाइड कर देंगे, 60 में से 15 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 20 में से 60 में से 20 को माइनस डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम, दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट, एक दिन में दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ केवल अकेला कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट, समझ गए। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, एक दिन में किया गया कार्य ए द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 यूनिट, और बी की यूनिट 3 यूनिट दी हुई है। तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट, यानी 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उसी कार्य को ए अकेला करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, टोटल कार्य कितना है, 60 यूनिट, टोटल वर्क 60 यूनिट है, तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है ये काम, तो कितने दिन में पूरा करेगा, यानी 60/1, यानी क्या हो जाएगा, 60 डे, यानी 60 डेज क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें सिंपल, आपको बस एलसीएम निकाल देना है और इसको अलग अलग सॉल्व कर देना है, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अभी जो एनटीपीसी आरआरबी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज हो सकता है लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। तो
आप लोगों को बस ऐसे ही कंसेप्ट यूज करके आप लोगों को सॉल्व कर देना है। और चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी परिवार में माता और पिता और माता की औसत आयु कितनी दी हुई है, 35 वर्ष दी हुई है, समझ गए। और फिर क्या कर रहा है कि पिता माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु कितनी दी हुई है, 27 वर्ष। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि अगर औसत निकालना होगा, अगर एवरेज निकालना हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला। एवरेज निकालने के लिए सम, सम बता आपको क्या करना है, टोटल सम अपन नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, समझ गए। तो कह रहा है कि पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी मान लेते हैं क्या है, यहाँ फादर मान लेते हैं और ये मदर मान लेते हैं, कितने नंबर है, दो नंबर है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, औसत इसकी दी हुई है कितने वर्ष, 35 वर्ष। इस तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, फादर प्लस मदर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, समझ गए। यानी फादर और मदर का एज का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से सम निकाल लिए, ये वाला वैल्यू आप निकाल लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70 हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत, यानी फादर मान लेते हैं, फिर मदर हो गया और उसके सन, बटा में यहाँ कितने, तीन नंबर हो गए, तो बटा में तीन कर दिए, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 27, यानी इसको 27 के इक्वेट कर दिए, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी फादर प्लस मदर और सन कितनी हो गई, 81 हो गई। ये मानिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन, देखिए फादर और मदर की वैल्यू कितनी है, 70 है, और फादर और मदर और सन की वैल्यू कितनी है, 81 है। तो आपको पूछ क्या रहा है, पुत्र की आपको आयु पूछ रही है, समझ गए। तो देखिए यहाँ 70 है, फर्स्ट यानी सेकेंड माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या निकल जाएगी, यानी यहाँ 81 है, 81 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से जो पुत्र की आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि औसत से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होते हैं। देखिए मेन इसी का खेल है, अगर ये आपको क्लियर है कहाँ कैसे यूज करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए और बी का क्या निकालना है, आपका रेशियो निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है कि ए का क्या कह रहा है, 60%, यानी ए इंटू 60% लिख दे रहे हैं। अब किसका इक्वल है, बी का 3/4, यानी बी का 3/4 होता है, समझ गए। अब देखिए ए का 60% क्या लिखेंगे, अगर ए का 60% लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, यानी 60/100 होते हैं, यानी 3/4। अगर परसेंटेज से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो, यानी फ्रैक्शंस आपको मालूम हो, तो यहाँ आपको लिखने की ये ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए। यानी अगर 1/5 को क्या लिखते हैं, 1/5 को 20% लिखते हैं, समझ गए। अब इसी को 60% बनाना है, यहाँ 60% दिया हुआ है, तो 60% बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, समझ गए। तो 60% हो गया, 20 × 60, तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ लिखने के बजाय देखिए इतना ही, अगर एग्जाम में इतना लिख रहे हैं ना तो आपको टाइम क्या होता है, कंज्यूम होता है। अगर आपको डायरेक्ट ये अगर 60% डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में याद किए हुए हैं, आपको मालूम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, समझ गए। यानी आपको 3/5 आपको डायरेक्ट लिखना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यानी हम क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देते हैं, 3/5 लिख देते हैं, इक्वल टू किसके है, बी का
तीन बटा चार। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है, समझ गए। देखिए एक लाइन में हो गया, तो ए और बी को आपको रेशियो निकालना है, तो बी को इधर लाते हैं, ए अपॉन बी हो गया, यानी तीन बटा चार हो जाएगा, और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी पाँच बटा तीन हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए तीन से तीन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से ए अपॉन बी का रेशियो क्या हो जाएगा, पाँच बटा चार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो क्या है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें चेक क्या कर रहा है कि आपको सॉल्व करने का तरीका कैसे चेक, मतलब सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ 60% लिखना मेन इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट 60% वहाँ लिख सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग कर रहा है। देखिए मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 मीटर और ये तीन डायमेंशन दिया हुआ है, यानी थ्री डायमेंशनल फिगर है। कह रहा है कि बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको प्राप्त करना है। तो देखिए कोई कमरा है, तो कमरा क्या होगा, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, समझ गए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो क्या हो गया, वो थ्री डायमेंशनल हो गया। मान लेते हैं ये कमरा है, बनाने का प्रयास करते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर, सॉरी एक मिनट, देखिए समझ गए। तो ये देखिए ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया, ये क्या हो गया, इसकी लंबाई और ये चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको लंबाई, यानी यहाँ क्या हो गया, ये लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ये ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, और ये हाइट दी हुई है, समझ गए। तो यहाँ तीनों बीमा दिए हुई है, कह रहा है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको प्राप्त करना है। तो आप जानते होंगे सबसे लंबी छड़ कौन सी होगी, उसकी डायगोनल जो होगी वही क्या होगी, डायगोनल यानी विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका इसका ये कॉर्नर जो हम लोग ज्वाइन करेंगे उसी का जो लेंथ होगा वही क्या होता है, डायगोनल यानी विकर्ण होता है। तो उसी का अगर लेंथ निकाल देंगे तो क्या होगा, वही लेंथ सबसे लंबी होगी। तो देखिए यहाँ 10 मीटर दिया हुआ है और यहाँ 10 और 5 मीटर। आप जानते हैं कि विकर्ण की फॉर्मूला निकलता है, विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट अंडर रूट इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ गए। एल मतलब लेंथ, यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखिए यहाँ लेंथ कितनी दी हुई है, 10 मीटर, यानी 10 स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 10 स्क्वायर दिया हुआ है, और ये कितनी दी हुई है, 5, यानी अगर इसका कितना हो जाएगा, 100 और 25, यानी 225 हो जाएगा। तो 225 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी आपका 15 मीटर क्या हो जाएगा, इसकी यही कह रहा है कि छड़ की लंबाई सबसे लंबी क्या होगी, वही 15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे फिगर में जैसे मानिए अगर क्यूब भी दिया होगा या तो या क्यूबाइड हो, तो रूम कैसा होता है, क्यूबाइड के शेप में होता है, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होते हैं, अलग अलग होती है, लेकिन अगर क्यूब यानी सभी उसकी लेंथ क्या होती है, सेम होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो क्यूब के केस में क्या हो जाता है, अगर उसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि अगर क्या हो जाएगा, मानिए ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3a² हो जाएगा, इसको अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए रूट 3, समझ गए। तो इस तरह से अगर क्यूब पूछ दे तो उसकी सबसे लंबी छड़ की लंबाई यानी उसका विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, ए रूट 3 हो जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन परिवर्तित करके पूछ दे तो आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि आपको दिया हुआ है। देखिए क्या है ये, आपको क्या करना है, एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य आपको क्या करना है, निकालना है। हाँ दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए देखिए आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। किसी वस्तु की, कोई वस्तु की क्या दिया हुआ है, मूल्य
कैसे वृद्धि हो रहा है, 10% और 10% दो बार वृद्धि हो रहा है, समझ गए। तो यानी जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं किसी वस्तु की मूल्य क्या है 100 रुपये मान लेते हैं, अगर इसका हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% यानी कितना हो जाएगा 10 रुपये। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, समझ गए। फिर क्या कर रहा है कि फिर इसका 10% बढ़ा देंगे, यानी जो बढ़ाए थे यानी 110 का फिर 10% हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 100 इसका भी 10% कितना हो जाएगा, 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी 11 रुपये हो जाएगा। अब 110 में आपको क्या करना पड़ेगा, 11 ऐड कर देना पड़ेगा, समझ गए, यानी 121 आ जाएगा, समझ रहे। शुरू में कितने माने थे 100 रुपये, लास्ट में कितना आया 121 रुपया, तो समझ रहे हैं। देखिए इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 100 से 121 जा रहा है तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 21 का इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आइए हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जो फार्मूला से रिलेटेड है। तो देखिए कैसे बताते हैं, देखिए इसमें करना क्या है कि एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको इफेक्टिव परसेंटेज के निकालना है, अगर दो या से अधिक अगर दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इफेक्टिव परसेंटेज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू ए बी अपॉन 100, समझ गए। यहाँ ए क्या है, पहली बार में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10%, दूसरी बार में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10%, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू 10। यहाँ इसको फार्मूला में रख लेंगे और सॉल्व कर देंगे, वही जो इंक्रीमेंट आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 10 प्लस 10, और ये देखिए ए इंटू बी यानी 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच गया यानी 10 10 यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 21% आ गया, समझ गए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा ना तो इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट करना होगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी इजीली आप लोग इसको कितने मिनट में, विदिन मिनट में आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड आपको अगर यूज करेंगे तो इसमें कुछ टाइम टेकन लगेगा, इससे अच्छा है कि आप लोग ये शॉर्ट फार्मूला याद कर लीजिए और इसको इजीली सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, दिया हुआ है 0, 3, 8, 15, 24 और 35। इसका कह रहा है कि 9वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए पहले सीरीज लिख लेते हैं, पहला क्या दिया हुआ है 0, 3, 8, फिर क्या दिया हुआ है 15, 24 और 35 दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म दिया हुआ है, आपको 9वां टर्म निकालना पड़ेगा, यानी 7वां, 8वां और 9वां आपको निकालना पड़ेगा। 7, 8 निकालेंगे अभी तो 9वां निकालेंगे, तो इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैसे निकालते हैं। देखिए इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में 3 से 8 हो गया यानी 5 का डिफरेंस है, फिर 8 से 15 यानी 7 का डिफरेंस है। अब देखिए 5 से 9, 15, 9, 24। अब देखिए 24 में कितना जोड़ेंगे कि 35 आएगा, 11 ऐड करेंगे, समझ गए। यहाँ से देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है, इसमें 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया। तो फिर अगर 11 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी 35 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, यानी 7वां टर्म आपको क्या हो गया, मालूम हो गया। अब 13 ऐड किए थे, फिर 13 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 ऐड करेंगे मतलब कि 15, यानी 48 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, समझ गए। यानी ये 8 टर्म हो गया, अब हमको 9 टर्म निकालना है, तो फिर 15 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 15 2 कितना हो जाएगा, 17, तो यानी 63 में आप 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका 9वां टर्म हो जाएगा, समझ गए। यानी 80 आपका 9वां टर्म आ गया। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि ये सीरीज कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, आप सबसे पहले इस ट्रेंड को आपको
मालूम करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें देखें कि 3 से 5 जा रहा है, 5 से 7 यानी 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसी के आधार पर हम लोग क्या कर दिए, 7वां और 8वां टर्म उसी के आधार पर हम लोग सॉल्व कर दिए, समझ गए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस मालूम हो जाएगा तो आप इसको क्या करते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 256 × 256 −144 × 144 दिया हुआ है और डिवाइड बटा कितना है, 112 आपको करना है। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, कितना टाइम लगेगा, हमको लगेगा 2 से 3 मिनट टाइम लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, मान लेते हैं हम इसको ए मान लेते हैं, इस टर्म को बी मान लेते हैं, समझ गए। तो देखिए अगर दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस है, फिर इसको बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। यानी आप आइडेंटिटी एक पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। तो यानी इसको हम लिया क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, समझ गए। यानी इस टर्म को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 256 है, तो 256 प्लस कितना हो जाएगा, 100, यानी बी की वैल्यू कितनी, 144 हो जाएगी। फिर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, यानी 256 माइनस कितना हो जाएगा, 144। पहले हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को निकालते हैं। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10 5 × 9 = 10 2 × 3 = 4 400 आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 2 5 × 4 = 1 यानी 1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, न्यूमिनेटर पार्ट की वैल्यू इतनी आ गई। अब डिनोमिनेटर में कितना दिया, यानी हर में कितना दिया, 112, इसे 112 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ऊपर से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 112 से 112 कैंसिल हो गया, देख रहे हैं कितना ईजिली कैंसिल आउट हो गया। अगर यही आप लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते फिर इसको माइनस करते तो कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लग जाता। तो इस तरह से यहाँ देखिए 400 बचा, इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते ही जाते हैं, जो भी हम क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम अपने से ले रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी से हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आपको बस हमारे चैनल पर बने रहना है, जो भी हम लोग प्रैक्टिस जो भी सेट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आपको पहले क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उसको पहले अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर अपने से सॉल्व कीजिए उसके बाद फिर उस वीडियो को देखिए, उस सॉल्यूशन को मिलाइए, समझ गए। तो इस तरह से आज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर नए जोश और नए उत्साह के